अस्सलाम वालेकुम शेख। सलाम शेख। कभी कभी ऐसी सूरत हाल आती है कि जब बिजनेस बढ़ता है आदमी का, तब इंडिया के लेबर लॉज हैं और अलग अलग जो मुख्तलिफ गवर्नमेंट ने लॉज रखे हैं, उसमें आपको आपकी जगह का इंश्योरेंस कराना पड़ता है कि अगर आग लग जाए या कुछ हादसा हो जाए, आपको ज़रूरी है इंश्योरेंस करवाना। या फिर अगर आपके इधर कोई मजदूर काम करते हैं तो उनका मेडिकल इंश्योरेंस कराना, उनका प्रोविडेंट फंड कराना, ये ज़रूरी हो जाता है। तो ऐसी शक्ल में मतलब शरीयत क्या कहती है कि मतलब बिजनेस अगर हमें बढ़ाना है लेकिन ऐसे सूरत हाल आ रहे हैं, तो ऐसी शक्ल में क्या किया जाए? एक ज़ाब्ता मैंने ज़िक्र किया था, उसे एक बार अगर दोहराएंगे तो इंशाल्लाह इसका जवाब उसमें मौजूद मिलेगा। ज़ाब्ता मैंने ये दिया था कि मामला अगर ऐसा है कि वहाँ दो ऑप्शन हैं, तो हमें वो ऑप्शन इख्तियार करना है जो किताब व सुन्नत के मुआफिक है, जो रब की रज़ा के मुआफिक है। और अगर हमारे सामने मामला ऐसा है कि जिस पर दो नहीं एक ही ऑप्शन है, यानी इंसान मजबूर है, तो ऐसे में अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी कमज़ोरी की बुनियाद पर अगर ऐसी कोई गलती होती है तो उसे माफ़ कर देता है मजबूरी की हालत में, क्योंकि ऑप्शन दूसरा रहा नहीं, तो उसे अल्लाह रब्बुल आलमीन माफ़ फरमा देता है। ये एक ज़ाब्ता है, इस ज़ाब्ते को सामने रखें कि एक हालत है जिसे कुरान ने इस्तिरार कहा है और दूसरा नाम दिया है इख्तियार। इख्तियार और इस्तिरार, इस्तिरारी कैफियत में जब इंसान आए तो गुनाह उसके ऊपर से उठा लिया जाता है, और इख्तियार में जब रहे तो इंसान अगर सही इख्तियार करता है तो अज्र मिलता है, गलत इख्तियार करता है तो गुनहगार होता है। पर इस्तिरार का मफहूम समझना ज़रूरी है। इस्तिरार क्या है? इस्तिरार वो अमल है या वो कैफियत है कि अगर उसे इख्तियार ना किया जाए, उसे ना अपनाया जाए, तो भारी नुकसान जानी उसे लाहिक होने का अंदेशा है, जानी भारी नुकसान जो कि उसकी मौत तक भी उसे ले जा सकता है, लायक होने का अंदेशा है, ये इस्तिरार है। इसी से मिलता जुलता एक कलिमा और है जिसे हाजत कहते हैं। कल पहले दर्स के अंदर इसकी तरफ मैंने इशारा दिया था। हाजत, एक हाजत है, एक इस्तिरार है, एक इख्तियार है कि इंसान मुज़्तर तो नहीं हुआ कि जान जाने का अंदेशा है, पर ज़रर और नुकसान के पहुंचने का अंदेशा है, जिस्मानी या माली एतबार से, जिस्मानी या माली एतबार से ज़रर में पड़ने का अंदेशा है। और शरीयत का कानून है ला ज़रारा वला ज़िरार, कि अगर ज़रर आ रही है फ़ज़रर युज़ाल, तो ज़रर को दूर किया जाए, बाकी न रखा जाए। इसीलिए अब्दुल्लाह इब्न आमिर इब्न आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा सफ़र की हालत में जब वो जुनबी हुए तो उस हालत में गुस्ल करके पाकी हासिल करने के बजाय तयम्मुम से उन्होंने पाकी हासिल की और लोगों को नमाज पढ़ाई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने मामला आया, पूछने पर उन्होंने जवाब दिया, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया वला तुल्कु बिअयदीकुम इला तहलुका, कि हलाकत में अपने आप को न डालो, और मुझे अंदेशा हुआ कि सख्त ठंडक की वजह से मुझे ज़रर लाहिक होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके इस तर्ज़ इस्तदलाल पर खामोशी अख्तियार फरमाई। इससे मालूम यह हुआ कि अगर ऐसे हालात और सिचुएशन आते हैं कि उनमें इंसान के ऊपर ज़रर आ सकता है, नुकसान नाम की चीज़ आ सकती है जिसे हाजत कहते हैं, पर वो उसे मौत के मरहले तक नहीं पहुँचाने वाला है, तो वो हाजत है, और इस हाजत वाली शक्ल में भी उसे रब की तरफ से ये गुंजाइश दी गई है कि अगर कोई हराम है तो उसके ऊपर से उसका गुनाह उठा लिया जाता है। तो शायद आपके सामने बात वाज़े हुई होगी कि इंश्योरेंस जो हमारे लिए जायज़ और दुरुस्त नहीं है,
और उसकी वजह है, शायद अगर ज़रूरत पड़ेगी तो वाज़े की जाएगी। इंश्योरेंस किसी भी हाल में जायज़ और दुरुस्त नहीं है, न तो तंदुरुस्ती का, न ही गाड़ी का, न ही ज़मीन का, न ही दुकान का, न ही मकान का, और भी कुछ और ले ले तो न ही उसका। अगर इंश्योरेंस आप चाहते हैं तो वो इंश्योरेंस ले जो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दिया है। बंदा जब घर से निकले तो कहे बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अलल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, जब ये कहता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से कुफिया व वकिया, रब की तरफ से किफ़ायत उसकी हो जाती है, अल्लाह काफ़ी है, और उसकी हिफाजत का सामान अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से उसके लिए मुतय्यर कर दिया जाता है। ये है इंश्योरेंस जिसका इस्लाम तालीम देता है। बाकी वो इंश्योरेंस माल को नाहक और बातिल तरीक़े से खाए जाने के ज़राए और असबाब में से एक सबब है जो मुख्तलिफ शक्लों में हमारे ऊपर मुसल्लत किया हुआ है। उसमें से बाज़ हिस्से ऐसे हैं जिसमें मजबूर हैं, जैसे कि मैंने इज़्तिरार और हाजत वाली मिसाल मैंने आपके सामने पेश की कि आप रोड पर अपनी गाड़ी उस वक्त तक लेकर चल नहीं सकते जब तक कि उसका इंश्योरेंस आपके पास ना हो। तो आपको थर्ड पार्टी, आपको फर्स्ट पार्टी की ज़रूरत नहीं, क्यों? इसलिए कि आपको कुछ बैंकिंग नहीं चाहिए या उस क्लेम वगैरह जो होता है वो सब चीज़ें आपको मतलब नहीं है, आपको सिर्फ बच बचाव और रख रखाव का मामला लेकर के आगे बढ़ना है, किसी तरह से हम सेफ होकर के निकल जाए। इसलिए थर्ड पार्टी वाला इंश्योरेंस आदमी सिर्फ नाम के लिए लेता है ताकि सेफ वो रोड पर चल सके, और इसकी इजाज़त शरीयत ने अपने मानने वालों को दी है। फ़ायदा उठाना हमारा मकसूद नहीं है, पर मजबूरी की हालत में उसे हमने इख्तियार कर लिया है। अल्लाह ऐसे लोगों के ऊपर आए हुए गुनाहों को उठा लेगा।